स्वामी जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिसको करके प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि स्वामी जी बचाने वालों में से हैं, और हमारे यहाँ बहुत पुरानी सेइंग है कि मारने वाले से बचाने वाला लाख गुना बेहतर होता है। तो अगर आप कुछ आसन हमें समझा दें जो करें, या जो लोग कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा प्रैक्टिस करें, या कुछ लोग अपने जीवन में इसका अनुपालन कर लें, तो शायद हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे, आपसे देखना भी चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे। जरूर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिकल साइंस में भी सबसे पहले जो उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है कहते हैं प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर कंट्रोल, फिर क्योर, फिर रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन। ये चरण है चिकित्सा के। तो इसमें सबसे बड़ी बात है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम कोरोना से लेकर के जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि जेनेटिक डिजीज है, कम्युनिकेटिव नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज है, किसी भी कारण से, कोई चाहे लेस फिजिकल एक्टिविटी से, स्ट्रेस से, चाहे लेस ऑक्सीजन सप्लाई से, किसी भी कारण से कोई बीमारी हो रही है, तो उसका एक ही उपाय है प्राणायाम। और इतना इजी है, सब कर सकते हैं। 3 साल के बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सब जाति मत पंथ के लोग, सब दुनिया के लोग, सारे देशों के लोग कर सकते हैं वो प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़ना, कितना ईजी है। अब इसको एयरपोर्ट पर तो नहीं करना, अब जहाँ इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है वहाँ मत करना, ये शुद्ध वातावरण में करने के लिए है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट। और एक खास बात, मैंने प्राणायाम करने के पहले और प्राणायाम करने के बाद 2 घंटे के अंतराल में अपना ब्लड टेस्ट कराया, और दीपक भाई आपको आश्चर्य होगा, मैंने पाया कि इससे व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC जिसको बोलते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, वो एकदम से बढ़ जाते हैं। हमारी जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सरलेट एलिस, वो पिछले लगभग 38-40 सालों से वो योग में रिसर्च करती है। उसने जब मेरा ब्लड टेस्ट किया और देखा कि प्राणायाम से इंस्टेंटली हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ये तो जबरदस्त है।